जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जीव का कल्याण हो जाए इससे ऊंची कोई गति नहीं है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति है उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी वही है जो इस राम नाम से प्राप्त हो जाती है। भोजन की परीक्षा के लिए जीभ पर रस लेकर तालू से लगाने पर पता चल जाता है कि उसमें रस कैसा है। जहाँ से रस लिया जाता है वहाँ से ही र का उच्चारण होता है। र कहने में सुधा का स्वाद आता है और म कहने में संतोष हो जाता है। राम 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 ऐसा कहते हुए एक विलक्षण रस आता है, उससे सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। नाम में रस आने पर फिर दूसरे रसों की जरूरत नहीं रहती। जिनको भगवान के नाम में रस आ जाता है उनकी संसार के विषयों से रुचि हट जाती है। जब तक संसार के विषयों में रुचि रहती है तब तक भगवान के नाम में रस नहीं आता है। भगवान के नाम में जब रस आना शुरू हो जाता है फिर सब रस फीके हो जाते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता तो सबके सब रस फीके हो जाते। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं, ये सब फीके हो जाते क्योंकि ये सब बहाए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस नीरसता में बदल जाता है। संसार में जितने रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। वे आरंभ में अमृत के समान लगते हैं परंतु परिणाम में जहर की तरह होते हैं। इस तरफ विचार न करने से मनुष्य विषयों में फंसता है। जो विचारवान सात्विक पुरुष होते हैं वे पहले परिणाम की तरफ देखते हैं, इस कारण वे फंसते नहीं। राम नाम की महिमा कहते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुगति रूपी जो सुधा है यह सदा के लिए तृप्त करने वाली है। सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद कोई लाभ बाकी न रहे, जहां कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता है, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है उसका रस राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं वे फिर सांसारिक भोगों में फंसेंगे नहीं। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो, उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लगे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ, अपने आप से आप सारे पाप और अन्याय छूट जाएगा। निषिद्ध आचरणों से स्वतः ही ग्लानी हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है कि अंतःकरण मैला है। जो खुद मैला है उसे मैली चीज ही अच्छी लगेगी। मक्खियां मिठाई पर तभी तक बैठी रहती हैं जब तक मैले की टोकरी पास से होकर न निकले। मुंह पर मक्खियां बैठने लगें तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियां नहीं आएंगी क्योंकि उनको सुगंधी सुहाती नहीं है। वे तो घाव पर जहां पीप खून मिले वहां बैठेंगी। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है वह ही मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाएगा। सज्जनों, यह बहुत बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान के नाम, सत्संग और सत शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए ही मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा वह दिन रात नाम जप में लग जाएगा, फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा ही कैसे। एकांत में नाम जप करें, राम नाम का जो रस है वह भीतर आएगा। अब बाकी क्या रहा। सज्जनों, संसार के रस से सर्वथा विमुख होकर जब भगवान नाम के रस में जप में प्रेम पूर्वक लग जाओगे तब यह भजन का रस स्वतः आने लगेगा। इसलिए राम नाम रात दिन लो, कितनी सीधी बात है। नाम जप में कुछ निषेध है ही नहीं। नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं, सबके लिए सुलभ है,
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सभी ले सकते हैं, किसी का दावा नहीं है इसके ऊपर, सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे ही भगवान के नाम पर हमारा पूरा का पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का नाम है, ऐसा अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है यह कि मनुष्य शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथों से अपना काम करते हुए मुख में राम नाम जप करते रहें, बहनें माताएं घर का काम करें, भाई लोग खेतों में या दुकानों में काम करें, वे जहां हों वहां ही रहकर काम करते रहें, हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है, हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है इसलिए अपना उद्धार करना है, मनुष्य शरीर मिला है इसलिए हमें उद्धार करना है। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से भोगों से न हो। ऐसा बढ़िया मौका आ गया है, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया है। इस मार्ग में मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है, ऐसा सीधा और सरल रास्ता है, संतों ने कृपा करके बता दिया है। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताते नहीं है। राम नाम के दो अक्षर र और म शेषनाग और कमठ के समान है। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ हैं, ऐसे ही यह जो राम नाम है इसमें र शेषनाग है और म कमठ कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान हैं। अपने भक्त को धारण करने में उनको कौन सी बड़ी बात है भाई। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है, भगवान ने भरोसा किया है कि यह अपना उद्धार करेगा। सज्जनों मुफ्त में बात मिल गई, सज्जनों मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि यह उद्धार करे तो भगवान की कृपा एवं उनका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है, उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद करी है ठाकुर जी ने, सब संत ग्रंथ धर्म सदगुरु सत शास्त्र हमारे साथ हैं। ऐसा भगवान का नाम है, केवल हम थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला दें। ये नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। भक्तों का मन बहुत सुंदर कमल के समान है, उसके ऊपर राम 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 नाम रूपी भंवरे मंडरा रहे हैं। ये मन के ऊपर बैठे हैं, मन हरदम भगवान के नाम में लगा हुआ है, इस कारण भक्तों को दूसरी चीज सुहाती नहीं। भगवान के नाम में यदि कोई बाधा लगती है तो वह उन्हें सुहाती नहीं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।